नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ राउंड अप। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए बड़ी बड़ी खबरों की बात सबसे पहले करेंगे। शराब घोटाले के मामले में आरोपियों से पूछताछ अब की जाएगी, जेल में पूछताछ की जाएगी। तीन आरोपियों से ये पूछताछ होनी है, जिसमें ढेबर, त्रिपाठी और ढिल्लन से पूछताछ की जाएगी। दरअसल ईडी ने आज कोर्ट में आवेदन लगाया था और कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार कर लिया है। 23 से लेकर 27 मई तक ये पूछताछ की परमिशन दे दी गई है ईडी को। 5 दिन तक ईडी जेल में इनसे पूछताछ करने वाली है। अनवर ढेबर, अरुण पति, त्रिपाठी, त्रिलोक सिंह, ढिल्लन से जेल में पूछताछ की जाएगी। युगल तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। युगल, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर अभी तक? देखिए पुनीत, लीकर घोटाले में 70 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और नई ECIR दर्ज की गई थी। उसके बाद ACB EOW की टीम ने गिरफ्तारियां की थी। अब ED की टीम ने जेल में जो बंद है अनवर ढेबर, AP त्रिपाठी और त्रिलोक ढिल्लन, इससे पूछताछ के लिए अनुमति मांगी थी और अनुमति स्वीकार कर ली गई है। 27 तारीख से 31 तारीख तक ये 5 दिन जा कर के ईडी के जो अधिकारी हैं पूछताछ कर सकेंगे और ईडी को ये पूरा भरोसा है। ACB को भी इसके कई इनपुट्स मिले हैं और आने वाले समय में गिरफ्तारियों की संख्या है, आरोपियों की संख्या है, वो और भी बढ़ सकती है, क्योंकि लगभग 2000 करोड़ से अधिक की इस घोटाले में कई आरोपियों के जो नाम है एक एक करके सामने आ रहे हैं और इसमें किस तरह से पूरे शराब घोटाले में इस घोटाले को अंजाम दिया गया था। नकली होलोग्राम मामले में भी पृथक से जो मामले हैं वो उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं, तो ये कहा जा सकता है कि अलग अलग दिशाओं में इसकी जांच है, वो चल रही है और ये अब जब ईडी इसमें पूछताछ करेगी, जेल में जाएंगे और इन आरोपियों से पूछताछ करेगी तो और कई खुलासे हैं हो सकते हैं। एक बड़ा स्कैम था, बड़ा घोटाला था, शराब घोटाला, और उस पर आरोपियों की गिरफ्तारी है हुई है और अभी जेल में बंद है, तो ऐसे में ईडी जा करके वहां पूछताछ करेगी और लिंक और किस तरह के था, कैसे जो शराब की तस्करी है, किस तरह के धांधली है की जाती थी और इसके जो पैसे है, रकम है, वो कहां कहां जाता था। बीजेपी शुरू से इस मुद्दे को उठाते रही है और डबल काउंटर की बात करती रही है, तो देखना होगा कि आने वाले समय में और किन किन आरोपियों की गिरफ्तारी होती है और ईडी के पूछताछ में किस तरह से जो खुलासे हैं वो होते हैं। जी पुनीत, बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देखना होगा कि आगे ईडी की पूछताछ में किस तरीके से खुलासे किए जाते हैं। बढ़ती अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब घोटाले में आरोपियों की न्यायिक रिमांड बढ़ा दी गई। 30 मई तक आरोपियों की न्यायिक रिमांड बढ़ाई गई। 4 आरोपियों की 30 मई तक न्यायिक रिमांड बढ़ाई गई है। स्पेशल कोर्ट ने यह रिमांड बढ़ाई है। आरोपी अरुण पति त्रिपाठी, अनवर ढेबर, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह, ढिल्लन की रिमांड बढ़ाई गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में ईडी की एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। राइस मिलर्स घोटाले के मामले में एक और गिरफ्तारी कर ली गई है। ईडी ने आरोपी रोशन चंद्राकर को इस मामले में गिरफ्तार किया है। रोशन चंद्राकर राइस मिलर एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष है। आपको बता दें कि इस मामले में मारपेट के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज सोनी कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।